चलिए, गुड आफ्टरनून. वी हैव नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बजटिंग, बियॉन्ड बजटिंग. नाम ही सब कुछ बता देते हैं. क्या सीखना है इसमें? कुछ नहीं. बियॉन्ड बजटिंग, बजटिंग से उठ के सोचो, ट्रेडिशनल वे से ऊपर आओ. पहले बजट में हमने पढ़ा क्या क्या था, एक बार रिकैप्चुलेट करें. तो एक तो बजट में फीडबैक, फीड फॉरवर्ड आपको बताया. दूसरा आपको मैंने बताया था इम्पोज्ड स्टाइल बजट होता है, पार्टिसिपेटिव बजट होता है. पार्टिसिपेटिव बजट को बोलते हैं बॉटम अप. इम्पोज्ड को बोलते हैं टॉप डाउन. अब जनरल सिस्टम यही रहा है कि बजट चाहे नीचे से बने या फिर ऊपर से बने, नीचे वाला भी बनाएगा तो ऊपर से पास कराना होगा, फिर वापस नीचे जाएगा. अगर उल्टा भी अभी आ जाता है, पार्टिसिपेटिव बजट में भी आ जाते हैं, तो हमारे टीम मेंबर्स को लेके हमने बजट बनवाया और बजट बनाने के बाद उसको ऊपर अप्रूव कराया जाता है. वो रिजेक्ट कर देंगे तो फिर से बनाना पड़ेगा. फिर वो ऊपर अप्रूव होके वापस अपने नेचुरल फ्लो में ही नीचे सबको कम्युनिकेट किया जाएगा. बियॉन्ड बजटिंग इज लिटरली अ डिफरेंट थिंग then whatever budgeting system we used to have in traditional system. Here basically it's like हम लोग छोड़ देते उसके ऊपर, तेरे को जो करना है कर, ऊपर मत ला. participative budget से भी एक ऊपर level है, मतलब सब आप ही का है, आप ही सोचो क्या करना है. वो last में result को खाली company result से match कराएंगे. ट्रेडिशनल सिस्टम में एक था अथॉरिटोरियन स्टाइल, जिसमें आप टॉप पे बैठे बैठे बजट बना देंगे और नीचे फ्लो में सबको भेजेंगे और उनको इम्पोज किया जाएगा, यही करके दिखाना है. उल्टा था उसका, उसका मॉडर्न था उसका, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब पार्टिसिपेटिव बजट का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें नीचे में बजट बनाने के लिए लोगों को बोला गया, ऊपर लाके अप्रूव कराया, रिजेक्ट होगा तो फिर से बनाने बोला जाएगा, फिर ऊपर आएगा, रिजेक्ट होगा, फिर से बनाने बोला जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर वही फ्लो चलेगा. बट यहां पे छोड़ दो इनको, इनके हाल पे. लेट देम ओनली थिंक अबाउट द कंपनीज गोल. व्हाई वी वेर इन पार्टिसिपेटिव बजट, व्हाई वी वेर कॉलिंग इट बैक टू अप्रूव, बिकॉज वी वेर नॉट श्योर कि वो लोग जो बोल रहे होंगे वो कंपनी का गोल को अचीव करेगा कि नहीं. बट यहां पे हम लोग को ट्रेनिंग देना होता है कि यू अंडरस्टैंड जस्ट द कंपनीज गोल एंड डू वट एवर यू विश टू. इसका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड बजटिंग का, यहां पे देखिए एक मॉडल है, पेज नंबर आप देखो मिला. ये डायग्राम सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा देखिए. बजट मॉडल में क्या होता है, कंपनी का विजन है, मिशन स्ट्रेटेजी है, फिर बजट है, फिर कंट्रोल कर रहे हैं, फिर अगर डिविएट हो रहा है तो फिर बजट को रिवाइज कर रहे हैं, फिर वापस इंसेंटिव्स दे रहे हैं बजट को देख देख के या एक्चुअल को देख देख के. ये ट्रेडिशनल मॉडल है. अब ये नीचे ये बजट आप नीचे लेवल से बना के ऊपर मंगवाइए या फिर ऊपर से बना के नीचे भेजिए, बट एक फ्लो था यहाँ पे जिसमें कंपनी मॉनिटर कर रहा है विजन आपका अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है बजट से. बट बियॉन्ड बजटिंग में सब कुछ छोड़ दिया उनके हवाले, उनको विजन समझा दिया. देख रहे, सेल्फ गवर्नेंस मैनेजमेंट कल्चर, सेल्फ गवर्नेंस. आप खुद समझिए अपने आप को कैसे आप चलाना है, आप अपने लिए क्या बजट बनाए, मेरे से अप्रूव कराने का भी जरूरत नहीं है. आप अपने आप बनाइए, अपने आप चलाइए और लास्ट में देखिए कि आप कंपनी का गोल को अचीव करवा पा रहे कि नहीं. ठीक, ये एकदम मॉडर्न जमाना हो गया है जिसमें इस तरह से कंपनियों को
अपना बजट बनाने का एक आइडियाज दिया गया है, बट जरूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है हाई डिग्री ऑफ एंटरप्राइज अडैप्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टेंट इनोवेशन। इसका एडवांटेजेस भी है कि सब उनके हाथ में छोड़ दिया जाता है तो वो एम्पावर्ड फील करते हैं, एंटरप्रेन्योर जैसे फील करते हैं, तो वो लोग कंपनी का विजन को अपना मिशन विजन मान के अपने लिए स्ट्रेटजी बना के अपने एक्टिविटीज को प्लान करेंगे जो जूनियर लोग हैं, तो वो लोग में अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगा, वो अपने हिसाब से सब कुछ सजा लेगा। पता चला आप जिस तरह से अपने बना के गए थे उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देगा तो सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेगा, बट उसमें इनोवेशन भी बहुत आता है, तो लोग अपने हिसाब से जब करते हैं तो नया नया तरीका से करते हैं। पता चला आप ऐसा उस समय तो सोच ही नहीं पाते, जब इनको खुद पे छोड़ दिया तो अपने हिसाब से जो चीजों को सजाया उसमें इनोवेशन भी आ गया। अब इसी का ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन एक बार हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल बजट आपको बता रहा है कि ट्रेडिशनल बजट की खामियां क्या क्या थी। वो टाइम कंज्यूमिंग होता था, कॉस्टली होता था, कॉन्स्ट्रेन रिस्पॉन्सिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वहां पे जो बजट में आ गया उसको पालन करना पड़ेगा। ऑफन अ बैरियर टू चेंज, बदलना नहीं चाहते थे, बजट जो बन गया आप उसके हिसाब से ही आपको सब चलना है। ज्यादा करके कॉस्ट रिडक्शन पे दिमाग लगाते थे, वैल्यू क्रिएशन पे नहीं, नॉट ऑन वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वट एवर यू यूज टू उसके बियॉन्ड जाना। उसमें रीइन्फोर्स डिपार्टमेंटल बैरियर्स होता था रादर देन एनकरेजमेंट। ये पॉइंट समझ में आता है क्या? रीइन्फोर्स करना मतलब जो मैंने बोला वो करो, और एनकरेज मतलब आप खुद से करो। तो पुराने बजटिंग में खुद से करने का मौका नहीं दिया जाता था, और फिर मेक पीपल फील अंडर वैल्यूड भी होता था। बियॉन्ड बजटिंग एक ऐसा आइडिया है दैट कंपनीज नीड टू मूव बियॉन्ड बजटिंग बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट फ्लॉज ऑफ बजटिंग, स्पेशली व्हेन यूज्ड टू सेट कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज आर्ग्यूड दैट अ रेंज ऑफ टेक्निक्स, ये मैंने अपने बजट चैप्टर में आपको सिखाया था, रोलिंग बजट्स क्या होता है, जैसे जनरली आप एक बजट बना देते हैं जो एक पीरियड तक वैलिड होता है। वो मान लीजिए एक साल का सेल्स का बजट है जिसमें एक साल का सेल्स टारगेट दिया हो गया है 50 लाख रुपया। रोलिंग बजट एक बार वापस एक्सप्लेन करें, एक साल का बजट का टारगेट दिया हुआ है 50 लाख। मान लीजिए आपके पास 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। तो रोलिंग बजट बोलता है कि आपको हर क्वार्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 12.5 लाख का सेल हुआ, तो आफ्टर क्वार्टर 1 इज ओवर यू शुड रिव्यू दिस। 12.5 लाख का बजट होने का बात था, यू शुड रिव्यू दिस एंड सी व्हाट एक्चुअल हैज बीन अचीव्ड। से एक्चुअल हैज बीन अचीव्ड एज 20 लाख। सो इफ यू हैव अ ट्रेडिशनल बजटिंग हियर, व्हाट योर मैनेजर्स वुड बी देन टारगेटिंग कि अब मुझे 3 क्वार्टर में सिर्फ कितना था यहाँ पे, हर क्वार्टर का अगर 12.5 लाख करके ईच है, यहाँ पे 12.5, 12.5, 12.5 है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल 50 लाख है एक साल का ट्रेडिशनल बजट में, और एक्चुअल ऑफ क्वार्टर 1 अगर कोई 20 लाख करके चला गया है तो मैनेजर्स क्या टारगेट करेंगे, बचा हुआ 30 लाख ही तो करने का है, मैं तो बाकी काफी यहाँ पे फर्स्ट में कर लिया, तो वो लिथार्जिक हो जाएंगे, आराम से चलेंगे, स्लो मूव करेंगे, अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज नहीं करेंगे। इसलिए बियॉन्ड बजटिंग मतलब बियॉन्ड ट्रेडिशनल सिस्टम एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करो और आप इनको बोलो अब यहां से एक साल शुरू हो रहा है, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर 1 पे एंड होगा, और अब उसका बजट है 12.5, 12.5, 12.5 + 20। तो नया बजट जो आ गया वो 57.5 का आ गया। अब आप इस टारगेट को अचीव करने का सोचिए। तो बजट क्या हुआ, जैसे ही उसका एक इंटरवल लैप्स हुआ, जैसे ही उस बजट का एक इंटरवल लैप्स हुआ, रोल फॉरवर्ड हो गया
so that the budget period remained same as before, and it got revised also as per the potential that our team is showing. This is rolling forecast, this is rolling budget. Understand? ये रोलिंग बजट बड़ी बड़ी कंपनियों का एकदम नॉर्मल प्रोसेस है. मैं आपको ये बता दूंगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें पढ़ एकेडमिक चीज है. जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का, मैं आपको पहले भी बताया था ये किसी क्लास में, एक होता है एनुअल ऑपरेटिंग प्लान जिसको बजट बोलते हैं वो लोग, और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक प्लान जिसको ये लोग 5 ईयर्स बजट बोलते हैं. तो सोचो अभी 2018 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2018 में एनुअल ऑपरेटिंग प्लान 2018 पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, स्ट्रेटेजिक प्लान 2018 से 2022 तक का कवर करेगा, 5 साल, 18, 19, 20, 21, 22. ठीक, अब 2018 जब बीत जाएगा, ठीक, तो हिसाब से स्ट्रेटेजिक प्लान के 4 ही साल बाकी हैं. हिसाब से स्ट्रेटेजिक प्लान तो 4 ही साल बचा ना, 2018 बीत गया तो 19, 20, 21, 22 चार बचा स्ट्रेटेजिक पे सोचना. बट एक्चुअली नेक्स्ट ईयर 2019 का ऑपरेटिंग प्लान बनेगा और स्ट्रेटेजिक प्लान रोल फॉरवर्ड हो जाएगा. वहां पे स्ट्रेटेजिक प्लान होगा 19 से लेकर 23 तक का. हर साल स्ट्रेटेजिक को रोल ओवर करते हैं और एनुअल ऑपरेटिंग प्लान तो हर साल एनुअल होता है. अब इसी का ही मैंने टुकड़ा कर दिया, एनुअल का टुकड़ा कर दिया, मैंने एनुअल को रोल ओवर कराया. अंडरस्टूड? बट जनरली क्या होता है ना, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान को रोल ओवर करने से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में टेंशन ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि बजट एक तरह का परफॉर्मेंस इंडिकेटर है. आज वो बजट में आप तुरंत एक एक क्वार्टर बाद रोल ओवर करोगे तो बजट को तो कम्युनिकेट भी करना पड़ता है ना चारों तरफ. पता चला सब जगह कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो आप रोल ओवर कर दिए, लोगों को खबर ही नहीं मिला. फिर लास्ट में जब परफॉर्मेंस एनालिसिस हो रहा है वो नेगेटिव जा रहा है, इंसेंटिव नहीं जा रहा, तो वो लोग डिमोरलाइज्ड होकर कंपनी छोड़ने लगेंगे. तो रोल ओवर यूजुअली इतना फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए. मैंने कॉन्सेप्ट के लिए समझाया, जनरली अगर 3 ईयर्स बजट है तो उसको ऑब्वियसली रोल ओवर करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि जब 3 साल अब खत्म हो जाएगा फिर ही हम नया बजट बनाएंगे. एवरी ईयर इट शुड बी रोल्ड फॉरवर्ड. That is going beyond traditional budgeting. Traditional budgeting का एक level को आप जब आगे ले जाते हो उसी को beyond budgeting बोल रहे हैं. Such as rolling forecast, such as market related targets can take place of traditional budgeting. Beyond budgeting is creating a new type of budget which was not there in traditional budgets. ठीक है, तो एक है rolling forecast, दूसरा है market related targets and so on. बियॉन्ड बजटिंग इज एन एडेप्टिव प्रोसेस, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड. ये सब आपको डायग्राम से ही बहुत सारा चीज क्लियर हो रहा है. आप देखिए ये जो एडेप्टिव प्रोसेस है डिसेंट्रलाइज्ड है, देख रहे हैं ना आप. वेल लीडर्स प्लान एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रली, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस. यहां पे देखिए डिसेंट्रलाइज्ड है, अनलाइक ट्रेडिशनल बजटिंग. ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, जो कंपनी के लीडर्स है वही सारा प्लान करेंगे, बाकी एग्जीक्यूशन नीचे पे होता रहेगा. बट बियॉन्ड बजटिंग में आप ही प्लान करो, आप ही समझो, मेरे से क्या पूछते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स में वही चीज रिपीट हो रहा है, देखो आप पढ़ सकते हैं कीवर्ड्स. सूटेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे ये सब सूट करेगा, जहां पे वेयर देयर इज अ रैपिड चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट. फ्लेक्सिबल टारगेट्स विल बी रिस्पॉन्सिव टू चेंज. जनरली ये सब होता है आईटी इंडस्ट्रीज में, आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है तो बिजनेस एनवायरमेंट ही पूरा बदल जाता है. इंडस्ट्रीज यूजिंग मैनेजमेंट मेथड सच एज TQM. अब नाउ TQM का क्या जरूरत है बियॉन्ड बजटिंग में, because TQM, if you remember, it used to involve Kaizen. Kaizen means what? Continuous improvement through what? Through employee participation. That was Kaizen. Employee logo ko involve karke aap apne aap pe improvement laiye. So
इम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट करना है तो उनको एम्पावर भी करिए थ्रू बियॉन्ड बजटिंग. देन इंडस्ट्रीज अंडरगोइंग रेडिकल चेंज, जहां पे भी परिवर्तन लाना है, वेयर एवर यू आर सीकिंग चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस हो या इंटरनल चेंजेस हो, वहां पे बियॉन्ड बजटिंग सबसे ज्यादा सूट करेगा. वो एक्सटर्नल में भी अडाप्टिव होना पड़ता है आपको और इंटरनल में भी अडाप्टिव होना पड़ता है. जैसे अभी देखिए शॉपर्स स्टॉप का सेल थोड़ा गिरने लग गया जब से ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग शुरू हो गया. तो उन्होंने क्या किया पता है, सेल्समैन इतने ज्यादा बढ़ा दिए अपने काउंटर पे कि आप अब शॉपर स्टॉप में जाते हैं कि न्यू मार्केट में जाते हैं पता नहीं चलता है. शॉपर स्टॉप में जाइए पीछे पड़ जाएगा, बोलिए ना सर, बोलिए ना मैम, ये दें, आइए ना, एक बार दिखे ना, पीछे पड़ जाएगा. एग्रेसिव सेल्स हर शॉपर स्टॉप काउंटर्स पे. क्यों? क्योंकि उनका ऑनलाइन से सेल बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट हो रहा है. तो ये क्या है, चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट. इन दिस केस यू हैव टू रिजॉर्ट टू बियॉन्ड बजटिंग केसेस, यू हैव टू कम आउट ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग, यू कैन नॉट इम्पोज द थिंग्स लाइक यू यूज टू डू बिफोर. ठीक है, ओके. सो हो गया बियॉन्ड बजटिंग. बियॉन्ड बजटिंग का फिर बेनिफिट्स वापस रिपीट है, दिस ऑल आर रिपीट. या इधर यू रीड ओनली फ्रॉम वन सेगमेंट, दैट इज ऑल्सो इनफ. देन प्रिंसिपल्स फॉर अडेप्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने इम्प्लॉयों से अपना बजट बनवा के कंपनी चलवा लें. तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स आ रहे हैं कि गोल सेट करने पड़ेंगे, रिवॉर्ड्स देना होगा, प्लानिंग करना होगा, कंट्रोल भी करना होगा, रिसोर्सेस भी लाके देने होंगे, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द टीम मेंबर्स एज वेल एज कोऑर्डिनेशन ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेस फॉर प्रॉपर यूज. अब ये सब जैसे मैंने देखा कि इतना थ्योरी एग्जाम में एज सच कोई पूछता नहीं है राइट प्रिंसिपल्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, ऐसा नहीं होता है. इट इज जस्ट फॉर हैविंग सम पैसिव नॉलेज अबाउट द टॉपिक. जितना मैंने पहले भी बोला, जितना आप रीड करोगे उतना पैसिव नॉलेज इकट्ठा होगा. एंड 1000 और 1 का रेशियो चलता है पैसिव एक्टिव में. आप 1000 वर्ड्स किसी चीज के बारे में पढ़ते हो तो 1 और 2 वर्ड क्लिक करता है. तो ये सब इसलिए पढ़ना जरूरी है कि पैसिवली आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो एग्जाम में जो भी आएगा आपसे लिखने को बनेगा. ये हमारा मेन लॉजिक होता है. रीड इट लाइक अ नॉवल एंड ट्राई टू कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बियॉन्ड बजटिंग. द मोर यू रीड, एटलीस्ट एग्जाम में फिर जितना लिखना है उतना वर्ड्स आपको मिल जाएगा. ओके, अब इसी को इन लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स में. ये लीडरशिप वैसे एक अलग से पढ़ाई होती है, लीडरशिप के ऊपर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है, डिप्लोमा कोर्स हो सकता है जिसका एक पोर्शन इन्होंने उठा के बता दिया. लीडरशिप प्रिंसिपल्स में आपको क्या क्या देखना है, कस्टमर फोकस, इंप्रूविंग कस्टमर आउटकम्स नॉट ऑन मीटिंग इंटरनल टारगेट्स, फोकस एवरीवन ऑन इंप्रूविंग कस्टमर आउटकम्स. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी. और इसमें हर इंसान को जब हम हक दे रहे हैं आप अपने हिसाब से बजट बनाएंगे तो आप ऑब्वियसली अपनी जिम्मेदारियों के लिए आंसरेबल भी रहेंगे. परफॉर्मेंस, चैंपियन सक्सेस एज विनिंग इन द मार्केट प्लेस नॉट ऑन मीटिंग इंटरनल टारगेट्स. मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप तभी जीतोगे जब आप मार्केट में कहीं स्टैंड करोगे. इंटरनल टारगेट आपने जो बनाया उसको अचीव कर लिए तो हम आपको क्या माने कि आपने क्या किया. आप अपने लिए एक टारगेट बना लीजिए कि हम अपने लिए कॉस्टिंग में ना 40 लाएंगे और आप 40 ले आए, तो क्या पहाड़ तोड़ लिया जबकि पूरा हिंदुस्तान का 70 आया है. तो वही बोल रहे, हमेशा आपको इस तरह से सोचना है कि आपका सक्सेस इज विनिंग इन द मार्केट प्लेस. आप दूसरों से बेहतर होके दिखाइए, ना कि सिर्फ इंटरनल टारगेट सेट करके अपने आप से बेहतर होना. फ्रीडम टू एक्ट ये लीडरशिप का क्वालिटी है. ये फ्रीडम नहीं दोगे तो वो लीडर बनेगा कैसे. गवर्नेंस मतलब बेस गवर्नेंस ऑन क्लियर वैल्यूज एंड बाउंड्रीज नॉट डिटेल्ड रूल्स एंड बजट्स.
सेल्फ गवर्नेंस मैकेनिज्म की बात हो रही है, तो उनको बेसिक आउटलाइन क्लियर कर दीजिए कि ये तुम नहीं करना, ठीक, बाकी तुम्हारे हाथ में। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपने फैमिली से दूर है कि अभी पढ़ाई वढ़ाई करने दूसरे शहर में आ गए, तो वो लोग तो बियॉन्ड बजटिंग सिस्टम में ही चल रहे हैं ना, नहीं लगता है? सेल्फ गवर्नेंस ही है, फैमिली ने खाली दो तीन आउटलाइन बता दिया हमारा वैल्यूज क्या, बाकी तुम देखो, तुम बनाओ, तुम समझो, कोई फंस जाओ तो बात करना, लीड करो अपने जिंदगी को, है कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं पहली बार जब कलकत्ता छोड़ के बैंगलोर पढ़ने और रहने गया था, तो मेरे पापा ने लास्ट में जाते जाते तीन बात कही, देख बाकी तेरे को कुछ समझाने का नहीं, तीन बात याद रखना। मतलब क्या बताइए? मतलब एक, धर्म भ्रष्ट नहीं करना। मतलब जैसे वो कैसे भ्रष्ट होगा, मतलब नॉन वेज नहीं खाएगा किसी भी कीमत पे, अंडा मांस मछली ये सब कुछ भी नहीं खाएगा, ठीक। दूसरा, हाउ प्रेडिक्टेबल, कोई लड़की के चक्कर में मत पड़ना। और तीसरा, दारू मत पीना, अल्कोहल मत पीना, बस। और बाकी अब जो तुमको सही लगे तुम वो करो, बाकी तुम लोग पढ़े लिखे ज्यादा हो, बाकी पढ़े लिखे तुम लोग ज्यादा हो, तुम लोग अपना ख्याल खुद रखो, कोई जरूरत होगी तो बस एक बार फोन करना, हम लोग भी वैसे तुम जाके सेटल हो जाओगे तो एक बार आएंगे। तो मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं जब बैंगलोर गया, वहां सेटल हुआ, जब घर वाले प्रोग्राम बना रहे थे कि अब चलते हैं उसको सरप्राइज देते हैं, उसके पहले ही मैं पैकअप करके वापस आ गया। अचानक 3 महीने बाद मैं फोन किया, मम्मी मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक, आ जाना, सारा पैक करके जितना बोरिया बिस्तर बनाया था सब ले गया। तो सबका होता है ना एक नेचर, यही बता रहे थे कि हुआ क्या, ये सब यही बियॉन्ड बजटिंग का प्रिंसिपल्स है। इन्फॉर्मेशन जनरली आप देखना, जब घर में साथ में रहते थे ना, तो बहुत सारी बातें अपने लीडर लोगों से या अपने गवर्निंग बॉडी से, मैनेजमेंट बॉडी से कर नहीं पाते थे, बट जैसे ही घर से दूर होता है ना, तो सारी स्टोरीज बताई जाती है। तो प्रमोट ओपन एंड शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी दिल की बातें खुल के की जाए, वरना बेचारा अकेला रहेगा कैसे, ठीक है? डोंट रेस्ट्रिक्ट इट टू दोज हु नीड टू नो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको ही बताओ, सबको सब चीज सब पता रहना चाहिए, खुले मिजाज से रहो जिससे कि आपको एक्सपीरियंसेस मिले। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है कि आपके कुछ स्टेप्स हैं जो सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे ड्रॉ किए हुए, डिफाइन द केस फॉर चेंज एंड प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ द विजन, बी प्रिपेयर टू कन्विंस द बोर्ड। जब घर से बाहर निकलोगे तो कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि जाना है मुझे कुछ करियर बनाने के लिए, गेट स्टार्टेड, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस, ट्रेन एंड एडुकेट पीपल, रीथिंक द रोल ऑफ फाइनेंस। सेवेंथ, चेंज बिहेवियर, न्यू प्रोसेस, नॉट मैनेजमेंट ऑर्डर्स, इवेल्युएट द बेनिफिट्स, कॉन्सोलिडेट द गेन्स। कॉन्सोलिडेट द गेन्स मतलब जैसे क्या होता है ना, बियॉन्ड बजटिंग में हर टीम मेंबर को अपना हक दे दिया जाता है, जाओ जो करना है करो। अब वो लोग जो करके लाए उसको इकट्ठा नहीं करोगे तो आपकी कंपनी का विजन कैसे अकम्प्लिश होगा? हो क्या रहा है यहाँ पे बियॉन्ड बजटिंग में, हो क्या रहा है, कंपनी के विजन का टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, का टुकड़ा सौंप दिया जा रहा है, का टुकड़ा सौंप, सौंप सौंप कैसे लिखे, सूप हो जाएगा वो, एस ए यू, सौंप दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा, सौंप सौंप यू एन ई सौंप। अच्छा ठीक है भाई, तुम लोग समझ जाओ, सौंप दिया जाएगा। आता होगा, उतना हिंदी तो नहीं आता ना, अब हिंदी में क्या क्या आता है, उतना हिंदी आता तो बात क्या था, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या ना, हमें हिंदी आता है ना, इंग्लिश आता है ना, बंगला आता है, एक भाषा भी ढंग से नहीं आती। मारवाड़ी में भी आप बीच में इंग्लिश बोल देंगे, बीच में अचानक हिंदी हो जाएगा, कोई भाषा नहीं आता अपने को, सब मिला जुला के काम चला रहे हैं। ओके ठीक है, देखिए सबसे मस्त है
आई थिंक इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन इस बुक का कुछ भी नहीं हो सकता था टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बियॉन्ड बजटिंग अबाउट. अरे तो खत्म हो गया. अच्छा बजट स्लैक याद है आपको? डू यू रिमेम्बर बजट स्लैक? हाँ. डिजायर्ड बजट इज अ फ्लॉ ऑफ पार्टिसिपेटिव बजट वेयर मैनेजर्स जिनको बजट बनाने बोला जाएगा वो लोग क्या करेंगे? कुछ याद है? जिनको बजट बनाने बोला जाता है मैनेजर्स को कि आप अपना बजट बना के दिखाओ तो वो ऑब्वियसली इजी बजट बनाएगा ना. जो कर सकता है और वो जो अपने लिए बजट बनाया उसमें जो गैप वो रख देगा उसी को बजट स्लैक बोल रहे. ठीक. हो गया.